तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, नवदीप सैनी करेंगे डेब्यू। तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। मयंक अग्रवाल को तीसरे टेस्ट से बाहर किया गया है, जबकि रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है। 7 जनवरी से सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया 2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। स्टार ओपनर रोहित शर्मा की वापसी हुई है, नवदीप सैनी को तीसरे टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा। 2 टेस्ट में नाकाम रहने वाले ओपनर मयंक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रोहित शर्मा की वापसी के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, हालांकि ये साफ नहीं था कि रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल की जगह लेंगे या फिर हनुमा बिहारी की, लेकिन टीम इंडिया ने बिहारी को एक और मौका देने का फैसला किया है। उमेश यादव के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया के लिए एक और बदलाव करना मजबूरी हो गया था। नवदीप सैनी को टीम इंडिया ने डेब्यू करने का मौका दिया है। नवदीप सैनी तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का साथ देंगे। स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा इस सीरीज में शानदार फॉर्म दिखाने वाले आर अश्विन के हाथों में रहेगा। रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट में 57 रन की पारी बतौर ऑलराउंडर टीम में जगह पक्की कर ली है। तीसरे टेस्ट में नटराजन के डेब्यू को लेकर काफी चर्चा थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सैनी की बजाय टी नटराजन को डेब्यू का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नटराजन को अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए और इंतजार करना होगा। फ्रेंड्स, आपका नवदीप सैनी के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।